कि बच्चों को स्कूल में भी रखना पड़ रहा है। अब कोटा की अगर बात कर ले तो कोटा में भी लगातार बड़े बांधों से पानी की भारी निकासी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। कलेक्टर की बात की जाए तो ओपी बुनकर ने एसपी केसर सिंह शेखावत के साथ हालातों का रिव्यू किया है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ आर्मी और नगर निगम यूआईटी अधिकारियों के साथ बचाव राहत अभियान और आपातकालीन इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की है। एसपी शेखावत ने यह भी बताया कि हालात अगले कुछ घंटे में अलार्मिंग सिचुएशन है, इसीलिए हमें अलर्ट रहना है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर कोटा में सेना की भी मदद ली जा सकती है। जिस तरह के बाढ़ के हालात कोटा में बने हैं उन सबके बाद में जिला प्रशासन से लेकर के पुलिस महकमे ने कमर कस लिया, तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और एक अहम बैठक पुलिस प्रशासन एसडीआरएफ एनडीआरएफ तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ में की गई है। सर, जिस तरह के हालात हैं, पूरा पुलिस महकमा अलर्ट है, जिस तरह की सिचुएशंस बन रही हैं, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? पूरा पुलिस जाब्ता अलर्ट मोड पर है। आज पहले हमने हमारे स्तर पर हमारी बैठक की थी और थानेवार पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया कि अगर 5 से 6 लाख किसे डिस्चार्ज छोड़ा जाता है बैराज से तो कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जहां जल प्लावन की स्थिति होगी और उनको शिफ्ट करने की स्थिति आए तो ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पर उनको रेस्क्यू के लिए वहां पे छोड़ा जाए और उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। तो हमने थानेवार रिव्यू करने के बाद कलेक्टर साहब को आज की बैठक में भी हमारा फीडबैक दिया है। हमने एक्स्ट्रा जाब्ता भी पुलिस मुख्यालय से मांगा है, 2 RAC की कंपनी हमें उपलब्ध कराई गई हैं। NDRF के 2 प्लाटून्स और 3 प्लाटून SDRF की भी एक्स्ट्रा मंगाई है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज होने पर हमने UIT और नगर निगम के पास जो सिक्योरिटी गार्ड्स और होम गार्ड के जवान हैं और जो पुलिस का डेपुटेड स्टाफ है उसको भी हमने उस कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए मांगा है। अभी तक की स्थिति है वो पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी तरह की इमरजेंट सिचुएशन अराइज होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। बड़ा सवाल है कि गांधी सागर बांध में करीब 9 लाख से ऊपर का इनफ्लो चल रहा है और वहाँ से आउटफ्लो 4.5 लाख का है, अगर ये बढ़ता है तो सिचुएशन निश्चित तौर पर कोटा के निचले इलाकों में और ज़्यादा टिपिकल होंगी, उसको लेकर के क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? गांधी सागर में अगर इनफ्लो बढ़ता है तो डिस्चार्ज उतना ही होगा क्योंकि इनफ्लो बढ़ने के साथ साथ जो डैम की कैपेसिटी है वो उतनी है, उससे ज़्यादा वो डिस्चार्ज करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कोटा में जो चंबल बैराज से डिस्चार्ज होगा वो 5 से 7 लाख से ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ से पानी का जितना इनफ्लो आएगा उसी के अनुपात में कोटा बैराज है वो डिस्चार्ज करके और अपनी स्थिति को नॉर्मल कर पाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सिटी SP केसर सिंह शेखावत, जिनका कहना है कि फिलहाल जिस तरह की सिचुएशंस हैं उन सबके बीच में हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं क्योंकि पानी का जो इनफ्लो है वो लगातार बढ़ रहा है, चंबल में पानी की आवक लगातार हो रही है और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया कोटा।